लीजिए। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर। महाराज जी, सनातन को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हो गया है और अनेक बयान सामने आ रहे हैं, इस वजह से हमने सत्र का नाम रखा है कि सनातन का अपमान क्यों। महाराज जी, कोई सनातन को डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई एड्स कह रहा है, और कोई कह रहा है कि सनातन की वजह से ही समाज में असमानता है, भेदभाव है। स्वामी रितेश्वर के शब्दों में सनातन क्या है? जो सदा से था, आज भी है और सदा रहेगा, सनातन उसको कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति को, जिसमें वो आनंद, आह्लाद और प्रेम को उपलब्ध हो सके, उसको सनातन कहते हैं। सनातन की इतनी परिभाषा है, इस दुनिया में धर्म सिर्फ एक है। हम अनादिकाल से एक ही स्लोगन बोलते आए हैं, धर्म की जय हो। हमने कभी नहीं बोला हिंदू धर्म की जय हो, हमने कभी नहीं कहा इस्लाम धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, वो सनातन है। बाकी मत हैं वो हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, इसलिए सनातन की परिभाषा धर्म। महाराज जी, जो आपने कहा कि सनातन था, है और रहेगा, क्या सनातन इतना सहज और सरल है, इस वजह से बार बार सनातन पर इस तरीके से बयान दिया जाता है? सनातन मनुष्यों की रक्षा के लिए बना है, मनुष्यों के आनंद के लिए बना है। हम लोगों को मारने के लिए, काटने के लिए नहीं बने हैं। सहज सरल होना ही जीवन है, कठिन जलेबी की तरह होना जीवन नहीं है। हम सहज हो, सरल हो, मनुष्यों के लिए जिए, एक दूसरे के लिए जिए, इसलिए सनातन के ऊपर कोई कुछ भी बोल जाता है। लेकिन जरा ये देखो, बोलने वाले कौन लोग हैं? एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिनकी मैकोले के अनुसार हुई है, मैकोले की विद्या पढ़ के, जिन लोगों ने डिग्रियां लेकर के, जो न सनातन के ऋषि के बारे में जानते हैं, न वेद पढ़ा उन्होंने, न शास्त्र पढ़े, न उपनिषद का नाम जानते हैं, न ही शास्त्र का नाम जानते हैं, न गुरु परंपरा जानते हैं, वो सनातन के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ, आर्ट्स का विद्यार्थी और साइंस के विषय में बोलने लगे, साइंस की जानकारी उसको नहीं है। यही बात है, आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो वोट की राजनीति है, उनको बोलना है। सनातन सबको जोड़ता है और वोट की राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो शायद तोड़ने का काम कर रहे हैं, और भारत की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। भारत की जनता सनातन संस्कृति को मानने वाले 145 करोड़ लोग हैं। इस हिंदुस्तान में जो कोई भी रहता है वो सब सनातनी है, उनके डीएनए भी एक है। और यह पक्का है कि हम 145 करोड़ की बात करने आए हैं, हम भेदभाव करने नहीं आए। जिनको वोट चाहिए वो तोड़ रहे होंगे, वो सनातन पे हमला कर रहे होंगे। सनातन का अगर गुणगान करेंगे तो शायद ज्यादा ऊंचा उठ जाएंगे वो। महाराज जी, लेकिन फिर वही लोग सवाल करते हैं कि जब सनातन अमिट है, सनातन हमेशा रहेगा, तो फिर ये बयान क्यों आता है कि सनातन खतरे में है? क्या सिर्फ सियासी लाभ उठाने के लिए? दोनों तरफ से जैसा आपने कहा कि एक तरफ तो सनातन की अज्ञानता है और उनकी सियासत का हिस्सा है, तो क्या दूसरी तरफ लोगों को सिर्फ इसलिए डराया जाता है कहकर कि सनातन खतरे में है ताकि अपना वोट बैंक सुरक्षित रहे? नहीं, देखिए बात ऐसा है कि अगर भारत की आप बात करें तो जिस भारत के नक्शे को लेकर आज आप जी रहे हैं, क्या यही भारत था? भारत कहां से कहां तक फैला हुआ था? एक दौर में कोई कुछ पढ़ते थे कि कुछ ना कुछ तो हस्ती रही होगी हमारी, हमको कोई मिटा नहीं सकता। आप कितना मिटोगे? धीरे धीरे इतने छोटे हो गए, कांधार खत्म हो गए, भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब ऐसा भारत बच गया है, इस भारत में ही कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको तकलीफ होती है, जहां आप जा नहीं सकते, जहां पर आपका रहना मुश्किल है। कई ऐसे जिले चिन्हित हैं जहां पर आप रह नहीं सकते, जहां पर आप धर्म की जय नहीं बोल सकते। तो ये कहते हैं कि अखंड है, ये टूटेगा नहीं। सनातन तो अखंड रहेगा विचारों के रूप में, वेदों के रूप में, लेकिन अगर मनुष्य सनातन संस्कृति को लेकर जागृत नहीं रहा तो यह देश खंडित होगा। और मनुष्यता के ऊपर ये केवल 145 करोड़ लोगों की बात नहीं है, बात 8 अरब पूरे विश्व के लोगों की है। एकमात्र यही धर्म है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं, कोई एक ऐसा बता दो और मत जो कहता है पूरी वसुधा मेरी कुटुंब है। तो सनातन के ऊपर हमले होने दीजिए, हमले कोई आज से नहीं हो रहे हैं, चारों युग से हो रहे हैं। ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो हमले करती रहती हैं, इन हमलों से कुछ नहीं होना। फिर मैं आपको कहता हूं, मैं दल की बात नहीं करता, दल के दलदल से ऊपर उठ करके भारत माता के बच्चों के दिल की बात होनी चाहिए, और हम भारतवासियों के दिल की बात करने यहां पर आए हैं, दल से हमारा कोई वास्ता नहीं। महाराज जी, क्या भारत माता के बच्चों के मन में यह है कि भारत को
हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? देखिए, हिंदू का पहले परिभाषा आप पूछ लीजिए, यहां जितने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लोग लेके बैठे होंगे उनको शायद पता नहीं होगा हिंदू किसे कहते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि हिंदू और हिंदू तो अलग अलग। हिंदू कोई भौगोलिक एक परिसीमा है, हिमालय से लेकर के सिंधु की सीमा को हिंदू बताया गया। एक और परिभाषा बताई गई, जो हिंसा को पसंद नहीं करते उन्हें हिंदू कहा जाता है। तो ये दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छी है। आपके सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है भारत का, उस पद्धति से लोग जीते हैं जिससे बचते और बढ़ते हैं। हिंदू राष्ट्र के विषय में मेरा स्पष्ट मानना है, मैं इसके सहयोग और विरोध में हूं मैं ये नहीं जानता, मैं राम राज्य के पक्ष में हूं, क्योंकि हिंदू तो रावण भी था। क्या रावण राज चाहते हैं? हिंदू रावण भी था। मैं चाहता हूं राम राज्य आए, जहां राम के अनुसार राज्य चले। केवल हिंदू की बात नहीं कर सकते हम। महाराज जी, बीजेपी कह रही है राम राज्य तो है, आप देखिए अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार का कायाकल्प हो गया, महाकाल में क्या हुआ आपने सभी ने देखा ही, वहां पर महाकाल लोक का निर्माण हो गया। अब और कैसा आप राम राज्य चाहते हैं? ये जो राम राज्य की परिकल्पना और ये राम राज्य का यात्रा प्रारंभ हुआ है, मैं सहमत हूं। हमारे प्राचीन स्मारक, हमारे मंदिर जिन विदेशियों ने तोड़ दिए थे, उनको रिकवर करना जरूरी है। चाइना के ऊपर जापान का थोड़ा कब्जा था, आप इतिहास के जानकार होंगे, पर एक साल में उसने सारे जापानियों के नाम मिटा दिए और आज बड़े ताव के साथ खड़ा है अपनी भाषा को लेकर के। एक आर्थिक शक्ति भी है, हो सकता है विस्तारवादी नीति है हमारे विरुद्ध है, वो अलग बात है, पर चाइना खड़ा है अच्छे से, क्योंकि उसने गुलामी की कोई भी प्रतीक को एक वर्ष के भीतर अपने देश में रहना स्वीकार नहीं किया। भारत के इतने साल हो गए, गुलामी के प्रतीक को क्यों रखा गया, क्यों नहीं मिटाया जा रहा? मिटा दीजिए ना। क्या छत्तीसगढ़ में वीरों की कमी है? क्या आदिवासी वीरों की कमी है? उनके नाम पर सड़कों का नाम रखिए ना। अरे वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखिए ना, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखिए ना, वो मिसाइल मैन है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है आक्रांताओं की, बात है डकैतों की। क्या डकैतों और आक्रांताओं के नाम पर आप यहां पर सड़कें बनाएंगे? क्या उनके नाम पर आप अपने पूजा स्थल बनाएंगे? क्या आपको पता नहीं है कि वेटिकन सिटी का नाम आते ही, पोप का नाम आते ही वेटिकन सिटी याद आता है? मक्का मदीना से आया याद आते ही आपको किसी और मत का नाम याद आता है? तो अयोध्या और मथुरा और काशी का नाम सुनते ही आपको कौन याद आता है? क्या राम कृष्ण और भोलेनाथ याद नहीं आते? तो ये तो हमारी पहचान है, इस अस्मिता के साथ क्यों लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है भारत के बहुसंख्यक सारे के सारे लोग इसके पक्ष में हैं। हमेशा कुछ न कुछ असुर तत्व रहते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं किसी मत मजहब के ऊपर कभी हमला नहीं करता, और मेरा एक रिकॉर्ड रहा है, मैं जब भी बैठा हूं तो वो सारे भारतीय हमारा सम्मान करते और हम भारतीयों का सम्मान करते। यहां भी दलगत राजनीति हो रही है, ठीक है, दलगत राजनीति है, भारतीय संविधान के तहत ही तो कांग्रेस बनी है, भारतीय संविधान के तहत ही तो भाजपा का पंजीकरण हुआ है, बसपा का पंजीकरण हुआ है, समाजवादी का पंजीकरण हुआ है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। ये बात अलग है कि यहां जो सनातन और मानव की नीतियों को मानेगा वही शासन करेगा, ये तय है। हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते, पर नीति सही करनी पड़ेगी। हम किसी दल के विरुद्ध में नहीं है, हम किसी मनुष्य के भी विरुद्ध में नहीं है। हम चाहते हैं कि वो सही नीतियों पर, राष्ट्रवाद की नीतियों पर चले, अपने आने वाले भविष्य का वो भी देख सके, दर्शन कर सके, नहीं तो उनके बेटे ही आने रह सकते। आज जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आज जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, अगर यही हालत रही तो एक दिन अफगानिस्तान में भी यही हालत थी, हमारा शासन था। कितनी दुर्भिक्ष स्थिति है कि हवाई जहाज के चक्कों को पकड़ के कोई भाग सकता है, लेकिन जान के इतने लाले पड़े थे कि डैने और चक्के पकड़ के भागने पड़ रहे थे उन लोगों को, और भागने वाले भी इस्लाम धर्म के मानने वाले ही थे। इसलिए भारत में रहने वाले इस्लाम धर्म के लोग भी ये जानते हैं कि भारत उनके लिए सबसे शांतिप्रिय जगह है। हम 145 करोड़ की बात करने आए हैं और हम राम राज्य की बात करने हैं। आपका अंतिम प्रश्न था, आपने पूछा इस राम राज्य से आप क्या सहमत हैं? ये राम राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, पर मैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा, असली राम राज्य परिचित के शासन में था, और ये तीन चीजें जिस देश और समाज में हो जाएगी वहां पक्का राम राज्य आ जाएगा। ध्यान से आप सुनना, पहला निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय जिस राष्ट्र में आ जाएगा वही राम राज्य हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में आ गया तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य चला जाएगा, भारत दिखता रह जाएगा। महाराज जी, उस राम राज्य में देश का नाम भारत रहे या इंडिया? ऑब्वियसली ये सवाल इसलिए क्योंकि आप बता रहे हैं गुलामी के प्रतीकों को बदल देना चाहिए, तो क्या आप इसको भी इस तरीके से देख रहे हैं? भारत का नाम, एक तो भरत भगवान राम के भाई, एक भरत
जिन्होंने शेर के दांतों को गिन लिया था वो भरत, एक भरत, जड़ भरत, काफी भरत हैं, पर भारत का असली नाम भारत क्यों पड़ा ये लोगों को पता नहीं है। भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान। जिस देश के लोग सदा ज्ञान में रत रहते हैं उसे भारत कहते हैं, और इसका नाम सदा भारत होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान का देश है, ये कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। यहां ज्ञान का अनुसंधान चलता है, विज्ञान का अनुसंधान चलता है, आध्यात्म भी एक महान विज्ञान है। ये विज्ञान और आध्यात्म के बीच में जिन लोगों ने, मैकोले के बच्चों ने खाई पैदा की है, मैं पढ़ा सकता हूं क्योंकि मैं खुद विज्ञान का छात्र रहा हूं। मैं इन बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, जियोलॉजी पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये भी नहीं जानते कि साइंस किसको कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म किसको कहते हैं। इनको जानना होगा, ज्ञान के अभाव में यह सब हो रहा है। ये बैठे हुए सारे लोग अपने ही हैं, अपने ही छत्तीसगढ़ के हैं, कोई किसी दल, कोई किसी दल, कोई किसी दल में होगा, कोई किसी का सपोर्टर होगा, पर इतना तो पक्का है सभी चाहते हैं हमारा भारत सबसे ऊंचा रहे, हमारे भारत का तिरंगा सदा ऊंचा रहे, ये सब चाहते हैं। महाराज जी, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है, 22 जनवरी वो तारीख है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मैं सवाल पूरा कर लूं महाराज जी, लेकिन इन्हीं सबके बीच राम और रामचरित मानस को लेकर विवाद बिखड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्या को आप जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका यह कहना है कि रामचरित मानस को बैन कर देना चाहिए क्योंकि उसकी कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जो कि अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, नारियों को, पशुओं को प्रताड़ित करने की बात करती है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले तो ये कहें कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है, स्वागत योग्य भी है, और तकलीफ की ये बात है कि जस्टिस 500 वर्षों के बाद मिल रहा है, इसीलिए मैंने कहा अविलंब और त्वरित न्याय, निःशुल्क न्याय। सुप्रीम कोर्ट के वकील को हायर करने के लिए किसी गरीब को करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़े, उसको भी न्याय साधारण तरीके से मिल जाए। मैं जिस बात को कह रहा हूं ये छत्तीसगढ़ और पूरा देश समझ रहा होगा कि अगर ये स्थिति आ गई देश में तो ये करप्शन ऐसे ही मिट जाएगा। सबसे ज्यादा एडमिशन के तकलीफ है, सबसे ज्यादा आपके इलाज के तकलीफ है, और सबसे ज्यादा न्याय पाने में तकलीफ है। अगर ये तीनों ही प्रत्येक भारतवासी को मिलने लगे तो करप्शन तो आधा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारतवासी इसी के लिए जाकर के घूसखोरी करते हैं और घूस लेते हैं। अब मैं स्वामी प्रसाद मौर्या की बात करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने मत मानने का अधिकार है, हर व्यक्ति को किसी भी विषय पर बोलने का अधिकार है, और यह सनातन तीन है जिसके ऊपर आप विचार भी रख सकते हैं और आपका स्वागत किया जाएगा, आपके जिंदाबाद भी किए जाएंगे, बाकी जगहों पर यह सुविधा नहीं है आप भी जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्या एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति है। स्वामी प्रसाद मौर्या ने वेद पढ़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्या से पूछा गया था क्या शास्त्र उपनिषद के नाम बता पाएंगे। देखिए, जो जिस विषय का ज्ञाता नहीं है, भारत जी जो चौपाई जो चौपाई पढ़ रहे हैं बार बार, हाँ जी बच्चे, उसका मैं जिक्र इस मन से जरूर करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका व्याख्या तो बहुत हो चुका भारतवर्ष में, ताड़न शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन इसको थेथोलॉजी बोलते हैं हमारी भाषा में, एक चलन फिरन भाषा होता है, बोला थेथोलॉजी, हम जानते हैं पर मानेंगे नहीं। मेरा ऐसा कहना है कि वर्तमान समय में रामचरित मानस में प्रातकाल उठके रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, रामचरित मानस में कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इतने सारे चौपाई हैं जिनसे मानवता अच्छी हो सकती है, हमारे बीच मोहब्बत और प्रेम हो सकता है, उन सारे चीजों को छोड़कर हमें अमित जी को देख करके लगे आपका तो सब ठीक है, नाक आपका ठीक नहीं लग रहा है, हम नाक आपका काट लेंगे, आप आदमी तो अच्छे हो पर नाक आपका टेढ़ा है, तो वो नाक भी अमित जी का ही है। रामचरित मानस के जिन संदर्भों को उस समय में लिखा गया था और हम आज नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे लग रहा है इतना विवाद करने की जरूरत क्या है। मुझे सारे भारतवासियों को खड़ा होकर कह देना चाहिए कि अगर किसी चौपाई से किसी की भावना आहत होती है तो वो चौपाई को शट डाउन कर दें, रामायण फाड़ने से क्या होगा, आप शट डाउन कर दीजिए, मत मानिए। रामचरित मानस से जो अच्छी चीजें हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, उसको निकाल करके अपने जीवन में आप अपने बच्चों को देना प्रारंभ करिए। विवाद नहीं, संवाद पैदा करना है समाज में, अगर संवाद होगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, विवाद होगा तो राष्ट्र पीछे जाएगा। महाराज जी, लेकिन जब संतों की तरफ से बात कही जाती है स्वामी प्रसाद मौर्या को, तो वो तो संतों को राक्षस कहने लगते हैं। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्या की अपनी भाषा है, भारत देश के नागरिक हैं वो, उनकी भाषा, उनके संस्कार, उनके माता पिता का दिया हुआ ज्ञान, उनके आचार्यों का दिया हुआ ज्ञान, वो उसको प्रकट कर रहे हैं, वो भाषा तो हम नहीं बोल सकते, मैं वो भाषा में उनके लिए रखता हूं। उनका नाम ही कितना प्यारा है, स्वामी के द्वारा पाया हुआ प्रसाद, और वो भी मौर्य वंश,
मौर्य वंश कितना बड़ा यहां पर रहा है, नाम तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है आंख के अंधा नाम नेम सुख, नाम कुछ और हो और काम कुछ और कर रहे हो। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की भाषा जो वो बोल रहे हैं और जो लोग सुनने वाले हैं वो सुने, पर मुझे पता है 140 करोड़ भारतीय इस भारत देश में केवल यही चाहते हैं कि भारत में उत्तम शिक्षा, उत्तम चिकित्सा, अविलंब न्याय और भारत के प्राचीन जो खंडहर बना दिए गए हैं विदेशियों के द्वारा उनका नामकरण पुनः भारतीय और छत्तीसगढ़ी वीरों के नाम पर हो जाए, ये भारतवर्ष के लोग चाहते हैं। ठीक है महाराज, इस सभागार में बैठे हुए लोग क्या चाहते हैं वो भी जान लेते हैं। हमारी सहयोगी तनु लोगों के बीच में है। तनु, अगर वहां से कुछ सवाल है महाराज जी के लिए तो आप पूछिए। सवाल है किसी के पास जो महाराज जी से पूछना चाहता है, आप अपना हाथ उठा दीजिए, तनु पहुंच जाएंगे आपके पास। जी पंडित जी प्रणाम। महाराज जी पूछिए। सर पंडित जी, एक कथा है जहां शंभुपद वाला कहता है कि राजा अगर किसी दोष में है तो उससे जनता भी बहुत प्रताड़ित होती है, तो आपको अभी के समय में क्या लगता है कि हमारा राजा भी या प्रधान सेवक वैसा हो गया है कि बहुत सारी चीजें देश में घटित हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश के राजा अगर धर्मयुक्त नहीं होंगे, आप इस बात को मानते हैं कि राजनीति धर्म के साथ होनी चाहिए या धर्म के साथ, पहले आपको यह क्लियर करना होगा। आप ये मानते हैं कि सांप्रदायिक होना गौरव का बात है, यह शर्म का बात नहीं है, क्योंकि संप्रदाय शब्द का आप अर्थ नहीं जानते हैं। संप्रदाय का अर्थ आप जानते हैं हिंदू मुसलमान, संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो विद्या हमको प्रदान की है उसको संप्रदाय कहते हैं, और ऐसा सांप्रदायिक होना गौरव का बात है। 70 साल तक ये देश सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में झूलता रहा, लेकिन संप्रदाय का अर्थ नहीं मालूम। संप्रदाय का अर्थ शास्त्रों के अनुसार निकालोगे कि मैं कौन बताएगा कि संप्रदाय किसे कहते हैं, हमारे शास्त्र बताएंगे। जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है हम उसको सहेज के रख रहे हैं, इसको संप्रदाय कहते हैं, इसमें शर्म की क्या बात है, हम सांप्रदायिक हैं। दूसरी बात, राजा का अगर दोष हो तो प्रजा को भोगना पड़ता है, और यह भी पक्का है कि प्रजा दोष वाला हो तभी तो दोष वाला राजा चुनेगा, तो प्रजा को भी पहले ठीक होना पड़ेगा। प्रजा निर्दोष हो जाए, मुर्गे और दारू लेकर के वोट देना अगर बंद कर दे, ठेकेदारियों पर अगर वोट देना बंद कर दे और केवल अपने राष्ट्र की चिंता करके, अपने आने वाले भविष्य की चिंता करके वोटिंग करे, तो राजा को भी सही होना पड़ेगा, धर्मयुक्त होना पड़ेगा, ऐसे भारत का निर्माण करना होगा। तनु, और कोई सवाल है उधर से? जी पूछिए। गुरुजी, कोई कहता है बाइबल पढ़ो, कोई कहता है कुरान पढ़ो और कोई कहता है रामायण पढ़ो, सो आपके हिसाब से क्या लगता है हमें किस थ्रू जाना चाहिए, क्या बनना चाहिए? आपने क्या क्या सवाल है, आपने क्या क्या पढ़ा है? मैंने तो रामायण रामायण अच्छे से दवाई की मेडिकल हॉल में लाखों दवाइयां होती है। हाँ। और आपके पापा का दुकान हो और आपके सर में दर्द हो तो क्या 50 दवाई लेकर खा जाओगे कि हमारे बाप का दुकान है हम खा जाएंगे? नहीं खाओगे ना। आप जाओगे डॉक्टर के पास, डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करने के बाद आपको बताएंगे ये 3 गोलियां ले लेना, इससे आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में मानवता को जोड़ने के लिए, राष्ट्रीयता के विकास के लिए और मानवता के आनंद के सूत्र लिखे गए हैं। उनमें से आपके गुरु और आपका संप्रदाय जो कहता है उसको मान के चलो, आपका जीवन सुंदर होगा, आनंदमय होगा और प्रसन्न चित्तता से आप आगे बढ़ोगे। बड़ा कौन छोटा कौन, इसमें मत पढ़ो। और कोई सवाल? नेक्स्ट, जल्दी से। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम आस्था साहू है, मैं कलिंगा यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं ये गुरु को मानो, वो गुरु को मानो, इनकी सुनो उनकी सुनो, तो हमें किसे सुनना चाहिए? गुरु का अर्थ आप जानती हो? जी बोलाओ। गुरु वो होता है जो हमें सही राह दिखाए, सही शिक्षा दे। वाह, ठीक है ठीक है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अगर ठेके पर शराब पीना जाना है और रास्ता नहीं दिखा हुआ है और किसी से पूछे वो ठेका कहाँ मिलता है, वो बताएगा, वो भी गुरु होता है। पर गुरु नहीं, जो सत से और जो शाश्वत से जुड़ दे, नश्वर से नहीं, जो प्रेम से जुड़ दे, उसको सदगुरु कहते हैं। और इस जीवन में सदगुरु से जुड़ना चाहिए, जो राम से, कृष्ण से और सत्य से जुड़े, न्याय से जुड़े, प्रेम से जुड़े, उससे जुड़ो। बाकी तो बनारस में गुरु गुरु ही है। का गुरु? हां गुरु, पान खरीदा गुरु, ला गुरु, तो सब गुरु ही है। जो आपको मार्ग बताता है वो गुरु है, पर सदगुरु से जुड़ो जो आपको प्रेम का मार्ग बताते हैं। महाराज जी, जैसे आपने गुरु की परिभाषा बताई और कई सारे गुरुओं को बताया, ऐसे ही साधु संतों के बारे में कहा जा रहा है महाराज जी कि बचपन से तो हम लोग सुनते आए हैं कि साधु संत मोह माया से विरक्त होते हैं, उनको सिर्फ भगवान में ध्यान लगाना है और समाज की भलाई के लिए संदेश आगे बढ़ाना है।
लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से साधु संतों की जीवन शैली बदली है महाराज जी, लग्जरी गाड़ियां उनके काफिले में होती हैं, बाउंसर्स आगे पीछे चलते हैं, बड़े बड़े आश्रम उनके हैं, इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बदलाव के बाद ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा मजबूती से वो लोग अपनी बात रख पा रहे हैं, या फिर इसकी वजह से कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं? इसके दो पक्ष हैं। पहले आपको मोह का परिभाषा जानना होगा। मोह जब श्रेष्ठ से होता है, मोह जब शाश्वत से होता है, मोह जब सत्य से होता है तो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, और मोह जब निम्न से होता है, क्षुद्र से होता है, तो वह असुरता में आ जाता है। तो मोह अगर परमात्मा से है, सबके लिए, विष्णु का अर्थ होता है, विष्णु कोई नाम नहीं है हमारे यहां, विष्णु का अर्थ होता है विराट, जो व्यापक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, उन विष्णु के प्रति समर्पण को ही हम प्रेम कहते हैं। तो देखो, मोह के बिना तो प्रेम हो भी नहीं सकता। पहला मोह होगा, फिर धीरे 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 आपकी धारा बदलेगी, आप नश्वर से शाश्वत की ओर जाओगे, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाओगे, और यही मोह एक दिन प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप जहां चलोगे आपके मुख से एक ही गाना निकलेगा, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए, जैसे बुद्ध हुए, नानक हुए, कबीर हुए, इन लोगों ने जिस राह लिया उस राह में सोते हुए लोगों के भाग्य जग गए। तो मोह जरूर रखिए, मोह के बिना प्रेम नहीं हो सकता। रही बात साधुओं की, लग्जरी लाइफ की बात, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आप दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है आपने? उनके साथ 10,000 शिष्य हमेशा रहते थे। आपने वशिष्ठ का नाम सुना है? आपने विश्वामित्र का नाम सुना है? भारद्वाज का नाम सुना है? आप इनके आश्रमों की कल्पना कर सकते हैं, वहां एक साथ 1,00,000 लोग भी चले जाते थे, तो सबको भोजन प्रसाद दिया जाता था, सबको घोड़े पर बिठा के भेजा जाता था। मैं लग्जरी लाइफ के विरुद्ध में नहीं हूं, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण भी अगर अभी तुरंत आने का फिर से निर्णय करें, तो ये मैं पक्का जानता हूं कि वो रथ लेकर के नहीं आएंगे, राफेल और हाथ में एप्पल का टैबलेट लेकर के आएंगे कि मुझे लोगों से बात करना होगा, लोगों तक अपना संदेश भेजना होगा, मॉडर्न साइंस को अपनाना होगा। मैं यही तो कह रहा हूं, प्राचीन गुरुकुलम, प्राचीन ऋषियों की विद्या और मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, इन दोनों के फ्यूजन से एक ऐसी विद्या और एक ऐसी पद्धति का निर्माण भारत में किया जाए, तो भारत पुनः सोने की चिड़िया और भारत विश्व गुरु हो जाएगा। न पुराने से बैर है और न नए से नफरत है, दोनों को मिक्स करिए और मिक्स करके एक दिव्य विद्या का आरंभ कीजिए भारत में। महाराज जी, फिर पंडित बीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं, वो क्या मॉडर्न तरीका है संतों का, जिस तरीके से वो पर्ची में लोगों के बारे में लिख दे रहे हैं, पहले से नाम बताने से पहले लिख दे रहे हैं कि तुमको क्या समस्या है और क्या उसका समाधान होगा, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी को पिस्तौल लगा के अपने पास तो बुलाते नहीं होंगे कि 500 गुंडे भेज दिए मेरे पास, आ जाना शाम तक, 25,000 लोग तो तुमको मैं बता दूंगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो काम कर रहे हैं, उस काम से प्रसन्न होके या उनको देखने के लिए भारत की जनता इतनी दुखी है कि आज दुख दूर करने के लिए कोई भी कह दे कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, तो लाखों की भीड़ आपके पास, आप खड़े होइए ना, आप भी कपड़ा पहनिए, बोलिए मैंने एक ऐसा ट्रिक खोज लिया है कि तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। बुद्ध को लोग अनिश्वरवादी कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? मैं आत्मा ईश्वर तो नहीं जानता, तुम दुखी हो? बोला हां, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम मेरे पास आओ। इसलिए हमने बुद्ध को भगवान माना। दुखों से निवृत्ति जो दिला दे वही भगवान हो सकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं, मैं उनसे बहुत मिला भी नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता भी नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपना तरीका है, वो कथा करते हैं, और जो लोग उनके पास जाते हैं उनके फॉलोअर्स होंगे, उनके मानने वाले होंगे, वो किस लिए जाते हैं वो उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा। मैं इतना जरूर जानता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, जब आपके भीतर के कदाचार सेब से केला बना देना, आम से अमरूद बना देना, अमरूद से नारंगी बना देना, इसको चमत्कार नहीं कहते, बल्कि किसी दुर्विचारी कुविचारी को अगर सद्विचार से युक्त करके भगवान राम और कृष्ण का भक्त बना दे तो उसे हम चमत्कारी कह सकते हैं। चमत्कार यह है कि आपके हृदय में प्रेम आ जाए, आपके हृदय में सद्भाव आ जाए, आपको जीना आ जाए, आप नॉलेज और इंफॉर्मेशन में अंतर करना सीख जाइए, गूगल के इंफॉर्मेशन से ऊपर उठकर अपने ऋषियों के नॉलेज तक आने का प्रयत्न करिए। अगर यह आपने प्रारंभ कर दिया तो आपका जीवन शाश्वत होगा, आनंदमय होगा। गूगल गुरु से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, पर जो शाश्वत गुरु होगा, जिसने अध्ययन किए होंगे, जिसने अनुभव लिए होंगे, एक विद्या है जीविका की विद्या, हाउ टू अर्न मनी, और एक विद्या है जीवन की विद्या, हाउ टू लर्न मनी। अगर हाउ टू अर्न मनी सीखना चाहते हैं तो साथ साथ हाउ टू लर्न मनी भी सीख लीजिए, तो आपका जीवन अच्छा होगा, शाश्वत होगा और प्रेममय होगा। महाराज जी, एकदम आखिरी हिस्से में है, आखिरी के एक मिनट हमारे पास बचे, मैं कुछ नाम लूंगा, आप एक वाक्य में, एक शब्द में उनके बारे में जो सोचते हैं जल्दी से बता दीजिएगा। नरेंद्र मोदी, अ ग्रेट विजनरी, भारत मां के सपूत, जो भारत मां के लिए काम करने का
बहुत भाव रखते हैं हृदय में। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जिनको मठों तक सीमित रहने वाला एक बाबा कहा जाता था, आज अमेरिका के बराबर जिस राज्य की जनसंख्या है उस जनसंख्या में क्राइम फ्री जोन बना करके उन्होंने एक विराट काम कर दिया है, कुशल प्रशासक। राहुल गांधी अच्छे आदमी है, भारत के ही आदमी है, और उनकी विचारधारा, इसके लिए मुझे एक लाइन में जवाब देना बड़ा कठिन हो जाएगा, भीष्म पितामह सबसे बड़े भागवती हैं, भक्त हैं, लेकिन वो अगर पक्ष में गलत खड़े हों तो भीष्म पितामह को भी जाना पड़ता है। राहुल गांधी एक ऐसे अच्छे आदमी है और मुझे लगता है वो भारत को धीरे धीरे सीख रहे हैं और सीखेंगे तो और अच्छा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में मैंने बता दिया, उनको जितना ज्ञान है, माता पिता ने जितना ज्ञान दिया उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं, उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनको पसंद करते हैं। उदयनिधि स्टालिन अपने एक अच्छे पिता के, मुख्यमंत्री पिता के अच्छे एक्टर बेटा हैं, और ठीक समय पर एक्टिंग करके कैसे वोट को जुटाया जा सकता है उसका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रणाम। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वचनों के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर बने रहिए हमारे साथ मोमेंटो के लिए। सीईओ हिंदी न्यूज क्लस्टर न्यूज 18 नेटवर्क करण अभिषेक सिंह जी,